किशोरदा के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका आगाज हुआ एज ए सिंगर, आपका पहला गाना कौन सा था? आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम कलकत्ता। अच्छा जी। कोलकाता में मेरा पहला प्रोग्राम था भवानीपुर में, उत्तम कुमार महान नायक जी उनके इलाके में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, उन्होंने ही मुझे सौंपा। अच्छा जी। इससे गवाओ। अच्छा जी। मैं प्रिपेयर किया था कुछ 6 गाने गाऊंगा, तो मुझे गाना पड़ा 10 गाने। अच्छा जी। तो वो जो एक इनहिबिशन है वो निकल गया, डर निकल गया। मैं तो अरे यार अच्छा यार। उसके बाद मैं गली गली में गाना शुरू किया। अच्छा, कलकत्ते के गलियों में गा रहा हूँ, इधर 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। अभी मम्मी को मालूम पड़ गया। अच्छा। तो उन्होंने फोन किया मेरे पिताजी को, बोले वो तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो 0 लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो शो देखने आए कलकत्ते में, रविंद्र सदन में शो हुआ था, बैंक का शो था मुझे याद नहीं। तो मैं पिताजी शो देखने आए, मतलब मैं आता हूँ कलकत्ता। तो अभी जैसे किशोर साहब आए उस जमाने में, तो ही जस्ट केम बैक आफ्टर आराधना जी सत्यनारायण के बाद, तो एकदम ही वाज अ वन मैन शो। कोई कोई ऐसा था एकदम। तो जैसे आए तो तुम्हें बोला था तुम्हारे लिए मैंने फ्रंट सीट रखा है, वहाँ पे तुम बैठोगे। बोले कभी मत करना ये गलती। बोले क्यों? बोले कोई तुम्हारा गाना सुनेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेगा। बट ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो मैन देन वी पुट हिम ऑन द यू नो वे जहाँ से लाइटिंग होता है ना जी, वहाँ पे साइड में बैठा दिया। अभी किसी को मालूम नहीं जहाँ किशोर कुमार बैठा हुआ, बाबा ऐसा कर रहे हैं। देन ही टोल्ड माई मदर कभी बस उसको भेजो बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में मुझे षण्मुखानंद हॉल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1973 में, SD वरुण वाज द चीफ गेस्ट। वाओ। रेस्ट इज हिस्ट्री या ज्योग्राफी वो आप बता दीजिए क्या। अच्छा अमित जी, जब मतलब आरडी बर्मन साहब और किशोरदा का तो बड़ा हिट कॉम्बिनेशन था। हाँ जी। लेकिन जब आपने आरडी बर्मन साहब के साथ पहली बार गाना गाया जी, तो किशोरदा ने कहा ना कि मैंने तो ऑलरेडी वहां पे कब्जा जमा रखा, अपनी दुकान कहीं और खोलो। नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश हुए। अच्छा। लेकिन फिर मुझे गाना ऐसे मिला, मैं ये बड़े अच्छे लगते हैं जी, वो एकदम से मुझे नहीं मिला। उस वक्त पंचमदा के रिहर्सल में एक दूसरी फिल्म का रिहर्सल चल रहा था, मन्नादा और बाबा दोनों मिलके। अच्छा जी। डुएट था। तो मुझे बाबा ने बोला तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो चल मेरे साथ। तो मैं गया, तो मैं फर्स्ट टाइम देखा आरडी बर्मन को उस वक्त, मतलब एकदम क्लोज थे हारमोनियम पे। मतलब पंचमदा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का गाता है। हाँ। तो अचानक मेरे को देखा उन्होंने, अरे तू कैसा है, मैंने सुना तू गाना गाता है, गाना सुना। अभी फट से कोई बोले गाना सुना तो क्या होगा। हाँ। अभी दिस इमेजिन, बाजू में मन्ना दे बैठे हुए हैं, पिताजी या पूरे पूरे टीम बैठे हुए हैं सब। हाँ। लड़काओ। तो मैंने झुमरू गाया। अच्छा जी। इतना बकवास गाया मैं डर के मारे, मतलब कि घबरा गया मैं बहुत, गा ही नहीं पाया मैं एकदम ना नर्वसली गाया। उसके बाद गाड़ी में जो लेक्चर दिया पिताजी ने मुझे, क्या करेगा तू, कैसा गाता तू, बोले मुझे छोड़ दो। मैं बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कलकत्ता जाना, तो मैं वहाँ ठीक हूँ, गली गली में गाऊंगा, ठीक है मुझे यहाँ नहीं रहना। इन द इवनिंग देयर कम्स अ फोन कॉल, फोन कॉल आरडी बर्मन। बाबा बोल रहे हाँ बोलो क्या है, बोले कल भेजो उसको, आपके लाडले को भेजो। अच्छा। जो गाना मिल गया है, बड़े अच्छे लगते हैं, मिल गया बस। वाह क्या गाना है लेकिन। अरे अरे किशोरदा को जिन्होंने सुना है इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना, आप इतना सुनते हैं उनको। हाँ। तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है, तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मानते हैं मेरे फैंस हैं, और कई सारे नहीं मानते। तो एक फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया। अच्छा। फ्लूक, आप तो फ्लूक हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार, तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा इसका नाम अमित कुमार द फ्लूक। अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का जी, मतलब चाहे एक्टिंग करे या, उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं। वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल, सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी बचपन से। अच्छा जी। और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं। सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने, वो ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग, मतलब एक एक जगह जो है ना इतना खूबसूरत से गाते थे वो। वाह। उन्होंने सीखा नहीं कभी।
It was a gift, natural gift. My God. Natural gift. और एक बता दूं आपको सहगल साहब ये गलत फहमी है सब मीडिया बोलते ही नेवर गॉट टू मीट सहगल बट दैट इज रॉन्ग ही मेट सहगल अच्छा जी वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी उनको उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ बस तू सहगल से मिलकर क्या करेगा तो बट वो लेके गए ठीक है मैं लेके चलता हूँ तेरे को तुम मिल तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का किसने ये सब खेल रचाया वाह इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने और सहगल साहब ने बोला था कि वाह बोलो तुम आशीर्वाद दिया था बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है लेकिन उनका एक अंग दोष है क्या है हिलता बहुत है अच्छा अम्मी जी ऐसा भी तो होता होगा जैसे किशोरदा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया अरे एक तो उसका उस बजट भी कम हो गया तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित और उनकी आवाज भी आपकी काफी वो रंग तो आता ही है कभी ऐसा हुआ है कम बजट वाले आपके पास आ गए हुआ है अच्छा जी हुआ है बहुत हुआ है देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में अच्छा जी और उनका एक था कि लता कितना ले रही है अच्छा तो अगर लता जी 80,000 ले रही तो मैं 90 लूंगा अच्छा तो ये कमाल था ये तो और देते थे प्रोड्यूसर घर पे आके देते थे ये बहुत बड़ी घर पे आके पर घर पे आके पैसे देखा बड़े तो ठीक है भाई अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं लेकिन हाँ एक गाना था मैं ही गाया था गुलजार साहब ने लिखा था आर डी बर्मन का रोज रोज आंखों तले वाह बड़ा खूबसूरत गाना वो गाने में 3 अंतरे आशा जी की थे अच्छा जी आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी अच्छा जी तो अभी हीरो जो है संजय दत्त अच्छा जी उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके तो बोला मेरे को एक अंतरा दो तो उनके वजह से एक अंतरा मेल अंतरा आया थर्ड अंतरा अच्छा जी तो थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोरदा को फोन करो यार तो किशोरदा का नाम सुन के डड्डू से किशोरदा क्यों क्या भाई अभी क्यों ठीक है चलो अमित को फोन करो यार अच्छा मेरी एक बुरी आदत है दोपहर को कुछ भी हो जाए अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स दोपहर को सोऊंगा ही मैं अच्छा बचपन से है तो पिताजी को मालूम था ये पंचम दा ने फोन किया और बाबा ने उठाया हेलो अरे पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था अच्छा कभी भी हलो नहीं बोलते थे जैसे हम हलो बोलते वो हाँ तो पहले हाँ क्या तो बाबा हाँ से हाँ तो तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंप चम चम क्या कर रहे हैं हम लोग पॉइंट पे आओ यार तो फिर बोले भाई आपका लड़का क्या कर रहा है बोलो तो मालूम नहीं सोता है वो दोपहर को सो रहा है उसको जगाई उसको गाना मिल गया एक अच्छा तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ बोले आपका बजट ही नहीं है तो मुझे ये गाना मिला वाह क्या बात है बड़ा खूबसूरत गाना है सीरियसली सर आपकी आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर नहीं नहीं मतलब इतना 87 व्हेन माय फादर डाइड उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग मतलब लाइट क्लासिकल सत्यनारायण मिश्र जी आज वो भी नहीं है दुनिया में जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार मार के सिखाया उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है कंटो गड़बड़ करता है शेर नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन सुरेश वाडकर जैसे अच्छा गाता है चरण सिंह का बहुत अच्छा है सब अच्छा है तू सीरियस नहीं है लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे कह दो कि तुम सब मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज अनिल कपूर दिलीप साहब के लिए गाया देव साहब के लिए गाया राजेश खन्ना के लिए गाया अमिताभ बच्चन के लिए गाया लिस्ट इज एंडलेस आई सैंग फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स अच्छा मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ जी मुझे ना पता नहीं था कि बड़े अच्छे लगते हैं आपने गाया मुझे लगता था किशोरदा ने गाया और एक और चीज बताऊं सर थैंक यू अभी अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.